गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 में रहीम जी द्वारा आपको कुछ दोहे दिए गए हैं जिनका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पहले दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम के बंधन को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर वो टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता, और जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात वो रिश्ता पहले के जैसे नहीं होता है। उसी प्रकार दूसरे दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें हमारे मन की व्यथा दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, हमारे मन में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो हमारे मन की व्यथा को सुनकर हमारा दुख दर्द तो नहीं कम करते और हमारा मजाक बनाते हैं। इसी प्रकार तीसरे दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें केवल एक कार्य ही करना चाहिए, एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, ताकि हम हमारा जो लक्ष्य है उसको आसानी से पूरा कर सकें, हम हमारे लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। इसी प्रकार जो चौथा दोहा है उसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति पर कोई भी विपत्ति आती है तो वो कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। जैसे राम भगवान को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्हें चित्रकूट में रहना पड़ा, क्योंकि चित्रकूट जो है वो बहुत ही घना अंधेरा वाला जंगल है, और उस स्थिति में भी राम को वहाँ पर रहना पड़ा। अगला जो दोहा है उसमें रहीम जी कह रहे हैं कि उनके जो दोहे हैं वो चाहे बहुत ही कम अक्षर के हों, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है, वो बहुत कुछ कह देने में समर्थ है। जैसे एक जो कर्तव्य दिखाने वाला नट होता है वो अपने शरीर को समटकर कुंडली बना लेता है, उसी प्रकार रहीम जी के जो दोहे हैं वो कम शब्दों में भी बहुत कुछ कह देने वाले हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासा जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि कीचड़ में जो पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी है वह बहुत धन्य है। धनी का अर्थ यहाँ पर क्या है? धन्य। पंख का अर्थ होता है कीचड़, यानी रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो कीचड़ में पाया जाने वाला पानी है वह बहुत धन है, क्योंकि उस पानी से न जाने वो कितने जीवों की प्यास बुझाता है। लेकिन उसी पर अगर हम सागर की बात करें तो सागर में इतनी बड़ी मात्रा में जल होता है, इतना अधिक मात्रा में जल होने के बावजूद भी वो क्या है? व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी जीव की प्यास नहीं बुझा सकता। ठीक है, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासा जाए। सागर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह किसी जीव की प्यास नहीं बुझा सकता। अब रहीम दास जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे आप कोई भी कार्य करें वो थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगला दोहा देखिए आप। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीजहु कछु ना देत। अब रहीम जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नाद का अर्थ होता है संगीत की ध्वनि, रीझ का अर्थ होता है रीझना या मोहित होना, मृग का अर्थ है यहाँ पर हिरण से। अब यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हिरण किसी संगीत की ध्वनि को सुनकर वह अपना जो शरीर है वो दूसरों को निछावर कर देता है, अर्थात अपना शरीर उसको सौंप देता है, इसी तरह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो प्रेम से वशीभूत होकर, प्रेम से खुश होकर अपना धन सबको दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पशु से भी बदतर होते हैं, मतलब पशु से भी बेकार होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। रीझहु कछु ना देत, रीझ तो जाते हैं मतलब खुश तो हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। बिगड़ी बात
बने नहीं, अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वो वापस नहीं बनती। लाख करो कि न कोई, चाहे कितने भी प्रयास कर लो, लाखों प्रयास कर लो, लेकिन वो बात नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन हुई। रहीमदास जी कहते हैं जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने पर माखन नहीं निकलता। हम चाहे उसका पनीर बना सकते हैं लेकिन उसका माखन नहीं बना सकते। इसलिए हमें कोई भी बात करनी है तो वो बात कैसी करनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए। अगला दोहा देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। अब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कह रहे हैं किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी बड़ी चीज़ को देख रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि वो बड़ी चीज़ है वही हमारे लिए उपयोगी है, छोटी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस जगह अगर सुई का काम हो तो वहाँ तलवार काम आएगी क्या, नहीं आएगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ बड़ी चीज़ बेकार है, और जहाँ बड़ी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ छोटी चीज़ बेकार है। सबका अपना अपना एक अस्तित्व होता है, इसलिए अपनी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति असाए, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब रहीमदास जी अगले दोहे में हमें समझा रहे हैं कि अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई भी आपकी विपत्ति में सहायता नहीं करता है। विपत्ति मतलब होता है आपके ऊपर कोई परेशानी हो, कोई विपदा आई हो, तो वो उसमें आपकी सहायता नहीं करता है। किस प्रकार, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जैसे बिना पानी के अगर जलज यानी जो कमल का जो फूल है वो अगर जिस पानी में है वो तालाब अगर सूख गया है तो सूर्य उस कमल की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे सूर्य कितना भी प्रतापी क्यों ना हो, लेकिन पानी के बिना अगर वो तालाब सूख गया है तो वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो कोई भी आपकी विपदा में सहायता नहीं करेंगे। अगला और अंतिम दोहा देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब रहीमदास जी यहाँ पर पानी के भिन्न भिन्न अर्थों को समझाते हुए हमें बता रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है, विनम्र होना। रहीमन पानी, रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अब यहाँ पर बिनु पानी सब सून, अगर आप विनम्र नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सूनी है। अब यहाँ पर रहीमदास जी उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि मोती मानस चून ये सब बिना पानी के किस प्रकार सूने हैं। अब यहाँ पर देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का जो अर्थ दिया गया है उसमें मोती को पानी के बिना अमूल्य बताया गया है। इसी प्रकार आटे को पानी से जोड़कर कहा गया है कि अगर आटे में पानी की जो मात्रा है वो नहीं मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब रहीमदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य का भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्र होना चाहिए। उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बिना वह असंभव है, उसके बिना उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर देखिए हम फिर से देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो पानी है वो
मनुष्य के साथ मिलकर मनुष्य के अस्तित्व को उभारता है, आटे के साथ मिलकर उसकी नम्रता को दर्शाता है और मोती के साथ मिलकर उसकी चमक को बढ़ाता है। इनके बिना, इन तीनों का पानी के बिना कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य अगर विनम्र नहीं होगा तो उसका भी इस जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब हम रहीम दास जी ने इन दोहों के माध्यम से हमें ये समझाया है कि हमें जीवन में किसी ना किसी परिस्थितियों में इन दोहों के साथ हम जुड़े हुए हैं। जो ये दोहे हैं रहीमदास जी के, वो किसी ना किसी परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे अस्तित्व में हमेशा के लिए समाये हुए हैं। धन्यवाद।